जय भीम नमो बुद्धाय। वेलकम टू सम्यक क्रांति चैनल। दिस इज माय फ्रेंड भुवन। जय भीम नमो बुद्धाय। सम्यक क्रांति चैनल में आपका सहर्ष स्वागत। आज हम लोग यहाँ पर श्रीलंका के धम्म यात्रा पर है 2022। तो मैं अभी कैंडी स्टेशन के पास खड़ा हूँ। कैंडी स्टेशन से नुवारा एलिया यह हिल स्टेशन है। कैंडी के पास लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे यह स्टेशन है। इस नुवारा एलिया इस जगह पे जा रहे हिल स्टेशन है यह। और यह हिल स्टेशन पूरी दुनिया में जाना जाता है, सिर्फ श्रीलंका में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है लंदन के नाम से, क्योंकि वाकई में यह हिल स्टेशन लंदन के जैसा है ऐसा कहा जाता है। हम लोग तो अभी तक गए नहीं है, लेकिन हम लोग जाके देखने वाले हैं कि यह हिल स्टेशन है कैसा। तो कैंडी से यह ट्रेन यहाँ से निकलेगी और कैंडी से यह स्टेशन से यह नुवारा एलिया को 4 घंटे का यह सफ़र रहेगा। लेकिन यह सफ़र की खास बात यह है कि श्रीलंका घूमने जाने के बाद यह जो सफ़र है यह सबसे महत्वपूर्ण सफ़र है, क्योंकि यह ट्रेन का जो सफ़र है, यह ट्रेन का सफ़र इसका आनंद लूटने के लिए सिर्फ श्रीलंका के नहीं पूरे एशिया के, पूरे दुनिया के लोग इस ट्रेन को जानते हैं, मानते हैं। इस ट्रेन के सफ़र के बिना श्रीलंका की ट्रिप अधूरी है ऐसे कहा जाता है। इतना महत्व है इस ट्रेन को। तो हम लोग इस ट्रेन से जाने वाले हैं। कुछ ही देर में यह ट्रेन आएगी। इस ट्रेन से 4 घंटे का सफ़र है नुवारा एलिया, और 400 रुपये का टिकट है। आप देख रहे हैं ट्रेन आ रही है, तो 400 रुपये का श्रीलंकन टिकट जो 130 रुपये इंडियन करेंसी में होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही चकाचक ट्रेन है, बहुत ही सुंदर ट्रेन का ये मॉडल है। इस मॉडल से जैसे आप ऐसे लग रहा है कि यूरोप की ट्रेन है, तो इस ट्रेन से हम लोग अभी सफ़र करने वाले हैं। इस ट्रेन में टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर खड़े रहकर भी इस सफ़र को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। आप देख रहे हैं इस ट्रेन को एकदम स्वच्छ और सुंदर नई ट्रेन है। और मेरे साथ है यह जाफना का यूट्यूबर और पंकज जो काले शर्ट में है। तो हम तीनों यहाँ से नुवारा एलिया इस हिल स्टेशन के लिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका के मध्य पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह रेलवे हर एक स्टेशन पर रुकती है, और हर एक आप देख रहे हैं यहाँ के रेलवे स्टेशन जैसे इंडिया के पुराने रेलवे स्टेशन है उसी के जैसे। यह जनरल का डिब्बा है, लेकिन हमारे कंपेयर में ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा लगता है। और आप देख रहे हैं कि इस ट्रेन से बहुत सुंदर दृश्य का आनंद, सुंदर दृश्य का लुफ्त उठा सकते हैं। बहुत ही सुहावना सफ़र है। हिल स्टेशन जाते समय बहुत बड़े बड़े पेड़ है, पहाड़ है, हरे भरे पेड़ है, दरिया है। और आप देख रहे हैं इस ट्रेन से हज़ारों की तादाद में लोग खिड़की से, दरवाजे से आनंद लेते हैं। आप देख रहे हैं इतना सुहावना सुंदर सफ़र इस ट्रेन का दृश्य है। नदी है, तालाब है, नाले हैं और चाय के बागान हैं। तो नुवारा एलिया यह हिल स्टेशन आप देख रहे हैं सम्यक क्रांति चैनल के माध्यम से। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में आपके विचार ज़रूर लिखिए, ताकि आने वाले वीडियो में आपके कमेंट के द्वारा आने वाले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा
लोग सुधार कर सकते हैं। तो यह आप पर निर्भर है, आपका चैनल है, आपकी धम्म यात्रा। ऐसे समझे कि आप खुद इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और आप अपनी राय लिखना बिल्कुल भी ना भूले। आप देख रहे हैं यह सुंदर दृश्य, चाय के बागान, खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़, यह हरा भरा माहौल। जैसे कि आप जनरली देखते हैं कि साउथ में, श्रीलंका साउथ में आता है, तो जैसे भारत का साउथ है वैसे ही श्रीलंका साउथ में है। तो जनरली साउथ में बहुत गर्मी होती है, लेकिन ये कैंडी शहर है, ये कैंडी शहर ठंडा है और उससे भी ठंडा मुवारा एरिया है। तो हम लोग दरवाजे में बैठकर बहुत ही सुहावना सफ़र कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है और मैं बाहर के हर एक दृश्य को आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि दरवाजे में मुझे जगह मिली है। आप ये ट्रेन को देख सकते हैं, सांप की तरह यह ट्रेन दिखाई दे रही है और बहुत ही स्वच्छ है। इसका रिफ्लेक्शन, पेड़ों का रिफ्लेक्शन इस ट्रेन के ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि आईना हो। तो ये ट्रेन बहुत मशहूर है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। गूगल में या यूट्यूब में या फेसबुक में आप नुवारा एरिया डालिए, आपको सबसे पहले इस ट्रेन के बारे में जानकारी दी जाएगी, इस ट्रेन का सफ़र दिखाया जाएगा। तो यह सुहावना सफ़र आप देख रहे हैं सम्यक क्रांति के माध्यम से। तो यह धम्मा, जैसे कि हमारे धम्मा में नेचर के प्रति बहुत ही आदर है, प्रेम है, इसी तरह से हम इस नेचर का लुफ्त उठाते हुए इस ठंडी ठंडी हवाओं का, इस ठंडे ठंडे झोंका, हवा के झोंकों का हम लोग आनंद उठाते हुए हम लोग नुवारा एरिया जा रहे हैं। नुवारा एरिया जाने के बाद आपको उस शहर के बारे में सारी जानकारियाँ दी जाएंगी, उस शहर में जो बुद्ध विहार है, उस शहर का जो भी शहर के जो महत्वपूर्ण जगह है वो हम आपको दिखाएंगे सम्यक क्रांति चैनल के माध्यम से। ये आप देख रहे हैं इस ट्रेन का बहुत ही सुहावना सफ़र है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई व्यक्ति श्रीलंका घूमने गया हो और वो उसने इस ट्रेन का सफ़र किया ना हो। इस ट्रेन के सफ़र के बिना श्रीलंका की ट्रिप बिल्कुल ही अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है, मतलब किसी काम की नहीं है, ऐसे भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं ट्रेन के पटरी के बाजू में यहाँ पर बुद्ध विहार का दृश्य और बड़े बड़े पेड़। इस ट्रेन का सफ़र हर एक व्यक्ति करता है, हर एक विदेशी करता है, चाहे जो भी हो, वो खड़े रह कर हो, ट्रेन में बैठकर हो या दरवाजे में बैठकर हो, हर व्यक्ति इस ट्रेन से जाना चाहता है। इस ट्रेन का, इस रूट का, इस सफ़र का आनंद लूटना चाहता है। आप देख रहे हैं चाय के बहुत ही बड़े बड़े बागान, इस रेल के सफ़र में आपको दिखाई देंगे। और ये जो रास्ता है, यह रास्ता आप देख रहे हैं बिल्कुल सांप की तरह है, सांप जैसे सांप दिखाई देते हैं उस तरह का यह मुड़ा हुआ रास्ता है। आप देख रहे हैं पेड़ों का रिफ्लेक्शन ट्रेन के ऊपर, पेड़ ट्रेन के ऊपर साफ नज़र आते हैं। आप इससे पता चलेगा कि यह ट्रेन कितनी महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण बात बताना मैं आपसे भूल गया कि यह ट्रेन हमारे
चेन्नई के फैक्ट्री में बनाई गई है। विशेष रूप से बनाकर इसे श्रीलंका गवर्नमेंट ने इस रूट के लिए रखा गया है। यह मेड इन इंडिया है, चेन्नई के फैक्ट्री में बनाई गई ट्रेन है और इसे चेन्नई से यहाँ पर लाया गया है। और चेन्नई से बनाकर इसे यहाँ पर उसका आप देख रहे हैं रास्ते बहुत सुंदर। श्रीलंका बहुत ही साफ़ सुथरा है और श्रीलंका के लोग यातायात के बारे में बहुत ही सावधान हैं, सावधानी बरतते हैं। कोई व्यक्ति रास्ता पार करता है तो जो आने जाने वाले वाहन है, कार है, जो भी ऑटो रिक्शा है, वो रुक जाते हैं, पहले व्यक्ति को रास्ता क्रॉस करने देते हैं और फिर गाड़ी आगे चलाते हैं। इस प्रकार का आप देख रहे हैं ये ट्रेन का दृश्य, ट्रेन के नीचे पहियों के पास से। और यह सूरज आप देख रहे हैं, श्रीलंका का सूरज। श्रीलंका में आपको यह सूरज दिख रहा है और जैसे कि दुनिया में कहते हैं कि श्रीलंका एक गरीब देश है, लेकिन यह गरीब देश नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की गरीबी यह पैसों से नहीं, उसके स्वभाव से होती है। तो हम लोग पहुंच गए हैं नुवारा एलिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।